उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में प्रचंड गर्मी ने तांडव मचा रखा है। नौतपा में देश का आधा हिस्सा खूब तप रहा है। राजस्थान के फलौदी में शनिवार को पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और प्रदेश के अन्य स्थानों और दूसरे राज्यों के अधिकतर क्षेत्रों में पारा 45 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी अगले 5 दिन आसमानी आग से कोई राहत भी नहीं मिलने वाली है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार अकोला पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र का सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। अकोला में गर्मी को देखते हुए कलेक्टर अजीत कुमार ने सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाते हुए 31 मई तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीएफ की धारा 144 लगा दी है। आईएमटी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में 29 मई तक प्रचंड गर्मी जारी रहेगी। इस दौरान यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी महसूस की जाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वागे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और धारा 144 भी लागू की गई है। अभी की स्थिति की अगर बात करें तो किस तरीके का मौसम वहां देखने को मिल रहा है? जी आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि गए 2-3 दिन से महाराष्ट्र के जलगांव हो या चंद्रपुर हो, नागपुर हो, वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। दोपहर के 1-2 बजे तक टेम्परेचर 48 सेल्सियस तक गया था आज। लेकिन आज महाराष्ट्र के टेम्परेचर में कुछ जगहों पर गिरावट दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी चंद्रपुर या हो या जलगांव हो या महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट हो या महाराष्ट्र का नागपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ कई जगहों पर आज भी धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, कलेक्टर ने लोगों को आह्वान किया है कि आप कड़ी धूप में घर से बाहर ना निकले। पूरा इंतजाम किया गया है कि कहीं लोग घर से बाहर ना निकले। जहां पर घर से लोग बाहर निकल रहे हैं उनको पुलिस अपील करिए आप इमरजेंसी में आप इमीडिएटली घर पर चले जाए। लेकिन कई जगहों पर महाराष्ट्र के, जैसे साउथ महाराष्ट्र हो या वो वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, वहां पर का आज टेम्परेचर गिर चुका है। मैं आज पुणे की बात करी तो पुणे में आज दोपहर को 2 बजे तक 12 बजे तक टेम्परेचर 29 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और जहां तक वेस्टर्न बंगाल में रेमल का तूफान आ रहा है उसके वजह से भी महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर टेम्परेचर की गिरावट दिखाई दे पड़ी है। आज भी नागपुर में या चंद्रपुर में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जलगांव में भी आज भी 42 सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और कई जगहों पर जैसे अमरावती हो, अमरावती में आज 42 का टेम्परेचर रहा है। सातारा में, अकोला में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। वर्धा में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज रिकॉर्ड हो चुका है। ये जो टेम्परेचर है दोपहर 2 बजे रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे कम टेम्परेचर पुना डिस्ट्रिक्ट और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहा है। पुना में आज 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। जी वही मंगला जी, अगर बात करें तो लगातार आईएमडी की ओर से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। क्या लगता है कब तक लोगों को इस मौसम से राहत मिलेगी? आकांक्षा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेम्परेचर और 2 दिन तक जारी रहेगा या 2 जून तक जारी रहेगा। बहुत जगह पर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगह पर बरसात भी हो सकती है, जो बिना मौसमी मौसम बरसात कहा जाता है इसको। और कहीं एस्ट्रोलॉजी के तौर पर ये देखा जाए तो इसको, ये जो पीरियड है 25 जून से लेकर 2 जून तक, उसको नौतपा दिन कहते हैं। नौतपा दिन मीन्स 2 दिन लगातार यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। जी कहा जाता है कि इसको एस्ट्रोनॉमी के तौर से देखा जाए तो कि ये सबसे हॉट 9 दिन जो होते हैं, ये सबसे हॉट दिन होते हैं
जो अर्थ पर अपने पृथ्वी पर ये सबसे 9 दिन हॉट रहने की आकांक्षा जताई जाती है। मैं आपको एक बार जो आपके जो हिंदू पंचांग है उसके एस्ट्रोलॉजी है उसके तौर पर एक बात बता दूं, जो आप सालों से चलती आ रही है, बहुत सालों से ये पंचांग को हमारे यहाँ पर देखा जाता है। कहा जाता है कि अभी सूरज जो है कृतिका नक्षत्र में है, वो अभी 25 जून को उसने रोहिणी नक्षत्र में एंटर किया है, रोहिणी नक्षत्र में गया है। यहाँ पर जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में होता है तब कनेक्शन है जो डायरेक्ट सूरज की जो किरणें है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है, अपने अर्थ पर आ जाती है। इसके बीच में कोई भी तारा या ग्रह नहीं होता, इसके वजह से ये 9 दिन है और जो लगातार हॉट रहते हैं 9 दिन, और 9 दिन खत्म हो गए 2 जून को। उसके वजह से जो है महाराष्ट्र हो या कई भारत के कई ऐसे जगह है वहाँ पर 9 दिन लगातार टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है मंगला वागे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र के अकोला में भी धारा 144 लागू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। वहीं लगातार बताया जा रहा है कि नौतपा की शुरुआत 25 मई को हो चुकी है और अब 9 दिन तक देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के हालात देखने को मिल सकते हैं और लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना भीषण गर्मी में खुद का ध्यान जरूर रखें।